दोस्तों, आज के मनुष्य की समस्त प्रकार की समस्याओं और कष्टों का मुख्य कारण इस बात में विश्वास करना है कि कुल मिलाकर जो कुछ है बस यही जीवन है। जो भी सुख भोगना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, उन सब के लिए बस यही जीवन मिला है। मेरी बात से बहुत लोग सहमति नहीं जताएंगे, वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। वो पुनर्जन्म और अलौकिक दुनिया में विश्वास रखते हैं और इस जीवन के साथ साथ अपने संभावित पारलौकिक जीवन की बेहतरी के लिए भी सोचते हैं और उसके अनुसार कार्य भी करते हैं, जैसे पूजा पाठ, दान दक्षिणा इत्यादि। मेरा इन सभी लोगों से एक ही प्रश्न है कि कितनी प्राथमिकता देते हैं आप अपने संभावित पारलौकिक जीवन को? मेरे इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं को दीजिएगा और स्वयं से विश्लेषण कीजिएगा। आपको मेरी पहले बताई गई बात का मर्म समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मनुष्य से निम्न स्थिति के सारे जीवों में कर्म संबंध नहीं है, क्योंकि उन जीवों में अहंकार का विकास न होने के कारण उनमें कर्म की संभावना नहीं होती है। वस्तुतः कीट पतंग, पशु पक्षी आदि की कोई गति नहीं होती है। शास्त्रों में उनके लिए किसी लोका निर्देश नहीं है। उपनिषद में जाया सुप्रिय स्व ये दो बातें उनको लक्ष्य करके कही गई है। अतः वर्तमान गति का विवरण उनके संबंध में प्रयोज्य नहीं है। दोस्तों, जो महापुरुष इस देह में ही देहपात के साथ साथ परामुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त करते हैं, उनकी भी कोई गति नहीं होती। दोस्तों, उनके शुभ अशुभ कर्म पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं, अतः उनकी मरणोत्तर गति का प्रश्न ही नहीं उठता। वे लोग यथास्थित भाव में ही ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करते हैं। उनके प्रारब्ध कर्म की समाप्ति के साथ साथ उनकी देह का भी अवसान हो जाता है। देहावसान के बाद उनका कोई ऐसा कर्म रह नहीं जाता जिसके कारण उनकी कोई गति संभव हो। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने सकाम भाव से जीवन व्यतीत किया है, जिनके अंतर्मन में अभी ज्ञान का उदय नहीं हुआ है, पर जो निषिद्ध कर्म छोड़कर केवल धर्मानुसार उचित कर्म करते रहे हैं, मृत्यु के बाद उनकी गति हुआ करती है। इसको पितृयान गति कहते हैं। दोस्तों, इस गति के फलस्वरूप वे अपने कर्म द्वारा अर्जित पुण्य के अनुसार स्वर्ग आदि लोक की उपलब्धि और भोग प्राप्त करते हैं, लेकिन ये अनित्य होते हैं। इसी कारण से पुण्य की मात्रा के अनुसार स्वर्ग आदि लोक में उनको भोग प्राप्त होता है। ये स्वर्गावास एक से अधिक स्वर्गों में भी हो सकता है। भोग के समाप्त होने पर यानी पुण्य क्षय होने के साथ ही उनको इसी मृत्युलोक में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। दोस्तों, स्वर्ग से वापस आए जीव साधारणतः अच्छे वंश और अच्छे परिवार में ही जन्म ग्रहण करते हैं। यह जन्म ग्रहण उन जीवों के शेष कर्म द्वारा हुआ करता है। जैसे पानी से भरे हुए बर्तन से पानी गिरा देने पर भी उस खाली बर्तन में पानी का कुछ अंश बचा रह जाता है, ठीक उसी प्रकार से स्वर्ग भोग के द्वारा क्षीण हो जाने पर भी जो कुछ पुण्य कर्म बचा रह जाता है, उसी के फल से दोबारा वापसी होती है और मनुष्य देह में जन्म होता है। दोस्तों, पापी के संबंध में भी कुछ इसी तरह की बात कही गई है। पापी भी धूमार्ग के रास्ते से ही किंतु बहुत कष्ट भोगते हुए नरक जाता है। नरक में उसको कई तरह की भीषण कष्टप्रद यंत्रणा भोगनी पड़ती है। स्वाभाविक देह से इस प्रकार की कठिन यंत्रणाओं का भोग संभव नहीं है। इसी कारण से वहां उस जीवात्मा को एक विशेष प्रकार की यातना देह मिलती है और इसी यातना देह के साथ ही उस जीवात्मा को उस नरक में प्रवेश करना पड़ता है। दोस्तों, काफी लंबे समय तक कई प्रकार की यंत्रणा भोगने के बाद जीवात्मा उस यातना देह को छोड़कर नरक से वापस लौटता है। ऐसी जीवात्माओं में बहुत से पशु पक्षी की देह धारण करते हैं। दोस्तों, बहुत सी जीवात्माएं जो मनुष्य देह धारण करती हैं, उनके शरीर में कई प्रकार के नरक भोग के चिन्ह वर्तमान हो सकते हैं। किसी किसी क्षेत्र में कठिन रोग लेकर देह धारण करना पड़ता है। कभी कभी ये सारे व्यतिक्रम एक से अधिक जन्मों में भी संघटित हो सकते हैं। दोस्तों, स्वर्ग की प्राप्ति या नरक में पतन दोनों हमारे कर्म के अनुसार निश्चित होते हैं, लेकिन इन दोनों गतियों के फल से पुनरावर्तन निश्चित रूप से होता है। दोस्तों, साधारण परिस्थितियों में कोई सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कार्य करता है। यदि इन दोनों प्रकार के कार्यों का स्तर साधारण है, तो सामान्यतः मृत्यु के पश्चात वो व्यक्ति पुनः मनुष्य लोक में जन्म लेता है और नए जन्म में उसके साथ होने वाली घटनाओं का लेखा जोखा उसके पूर्व जन्मों में किए गए कार्यों के अनुसार उसका प्रारब्ध तय करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने वर्तमान जन्म में कोई असाधारण अच्छे या बुरे कर्म करता है, तो उसके दोबारा मनुष्य जन्म में आने की संभावना कम होती है। उसकी या तो उच्च गति होगी या अधोगति, ये उसके कर्म पर निर्भर करता है। दोस्तों, इसी आधार पर ये लोक कहावत है कि जब कोई व्यक्ति बुरे कामों और लोगों को सताने की अति कर देता है, तो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है, अर्थात अब अगर वो जीवात्मा शरीर छोड़ेगा तो सीधा नरक जाएगा और मनुष्य लोक में अपने पापों को भोगने के पश्चात ही आ पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जिन स्वर्गों का जिक्र किया गया है वे निम्न स्तर के स्वर्ग हैं। वो सकाम कर्म के फल स्वरूप प्राप्त होते हैं। इन निम्न स्वर्गों से ऊपर उच्च कोटि का ऊर्ध्व स्वर्ग भी है, लेकिन वो ज्ञानहीन पुण्य कर्म के फल से प्राप्त नहीं हो सकता। निम्न कोटि के जितने भी स्वर्ग हैं, वो काम्य कर्म के फल के भोग स्थान है। वहाँ भोगोपयोगी सारी वस्तुएं इच्छा मात्र से प्राप्त होती हैं, किसी से मांगना नहीं पड़ता। अनुकूल अप्सरा अमृत रूपये, कई प्रकार के स्वादिष्ट फल व्यंजन, सुंदर और नेत्रों को मोह लेने वाले दृश्य, दिव्य सुगंध, दिव्य सरोवर आदि कई प्रकार की भोग्य वस्तुएं सब वहाँ सहज ही प्राप्त होती हैं। यह स्वर्ग भोग का स्थान है। भोग समाप्त होने पर पतन अवश्य भावी है। दोस्तों, इस निम्न से निम्नतर स्तर के स्वर्ग भी बहुत सारे हैं। निम्न स्वर्ग के अधिष्ठाता इंद्र देवता हैं, लेकिन उच्च कोटि का उद्भव स्वर्ग इंद्र के अधीन नहीं है। मेहरलोक, सत्यलोक, तपोलोक उसी के अवान्तर विभाग हैं। ज्ञान और कर्म का समुच्चय हुए बिना उनकी प्राप्ति संभव नहीं। योग शक्ति और ज्ञान के क्रम विकास के अनुसार अत्युच्च ऊर्ध्वतम स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन ये सब पितृयान गति से संभव नहीं होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दिव्यान मार्ग की। वैसे पितृयान मार्ग में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों की गति होती है। कुछ दूर तक एक ही पथ से गति होती है, उसके बाद रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। दिव्यान मार्ग से जो गति होती है वो शुक्ल गति होती है। दोस्तों, ज्ञानहीन कर्म और कर्महीन ज्ञान से इस गति की प्राप्ति संभव नहीं, क्योंकि ज्ञानहीन कर्म स्वर्ग और नरक की ओर आकर्षण करता है। जीवात्मा एक तरह से इनके गुरुत्व क्षेत्र में प्रवेश करता है और कर्महीन ज्ञान बिल्कुल ही गतिशून्य होता है। अतः निश्चित रूप से दिव्यान गति के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय आवश्यक है। कर्म और ज्ञान में किसकी प्रधानता है ये साधक की साधना पर निर्भर करता है। दोस्तों, इस समुच्चय में कर्म की मात्रा अधिक रहने पर रास्ते में प्रत्येक स्टेशन पर उतरना पड़ता है और वहाँ का भोग पूरा करना पड़ता है, लेकिन ज्ञान का अंश अधिक रहने पर ऐसा नहीं होता है। ज्ञान कर्म समुच्चय का अंतिम स्टेशन ब्रह्मलोक है। विशुद्ध ज्ञान के फल से ब्रह्मलोक में उसकी बिल्कुल भी गति नहीं होती है। ब्रह्मलोक में जाकर जब तक जीव का वासना क्षय नहीं हो जाता तब तक उसे शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्मलोक में जीव जीवन मुक्त दशा में रहता है। दोस्तों, ये सारे जीवन मुक्त हिरण्यगर्भ से संबंधित है। ऐसे में हिरण्यगर्भ को समझना अति आवश्यक है। वेदों में कई जगह पर हिरण्यगर्भ का जिक्र हुआ है, लेकिन कई लोगों को इसका वास्तविक अर्थ पता नहीं होता। पर ब्रह्म परमात्मा निराकार है, अनंत है, असीम है, किंतु जब भी वो कोई रूप ग्रहण करते हैं तो सर्वप्रथम वो जो रूप धारण करते हैं उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात वो नाना प्रकार के रूप धारण कर सकते हैं, जिन्हें हम कभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य तो कभी कृष्ण और राम के रूप में भी पहचान सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। दोस्तों, जो लोग ब्रह्मलोक में निम्न अधिकार लेकर प्रविष्ट होते हैं वे हिरण्यगर्भ के सालोक्य को प्राप्त करते हैं। जो उच्चतर अधिकारी हैं वो सारूप्य की प्राप्ति करते हैं और जो उच्चतम अधिकारी हैं वे साष्टि और सामीप्य को प्राप्त करके चरम अवस्था में सायोज्य को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस लौकिक दुनिया से परे जो अलौकिक दुनिया है उसका कार्य व्यापार भी कर्म के आधार पर ही चल रहा है। अतः कर्म की महत्ता सर्वोपरि है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था। उस समय कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तेरे भी अनंत जन्म हो चुके हैं और मैं भी अनंत जन्म ले चुका हूँ। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तू उन्हें नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। दोस्तों, अनंत जन्मों की इस यात्रा में आज इस पड़ाव पर आपको मनुष्य देह मिली है, तो जब आप नितांत अकेले हो तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या ये उचित समय नहीं है अपने आप को बदलने का और अध्यात्म की ओर बढ़कर मोक्ष यानी जीवन मरण चक्र से स्वतंत्र होने का। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।